गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सोनाली सिंह जी, गुड मॉर्निंग हिमानी सिंह, गुड मॉर्निंग आंचल यादव, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि ये सेशन हम शुरू कर सके करंट अफेयर का। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाएं। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाए, कॉन्टेस्ट कॉटेज को ज्वाइन करें। जल्दी 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 से आके सभी कॉन्टेस्ट कॉटेज में जुड़े। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। इसको क्विज की तरह लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आप पर डे करंट अफेयर अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें आपको याद होने लगेंगी। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बोलिए, जल्दी से शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आप लोग आ गए हैं ताकि मैं सेशन शुरू कर सकूं। जल्दी जल्दी से जुड़िए और जल्दी जल्दी से सेशन को हम ताकि स्टार्ट कर सके बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। घर बैठे आपको जो हेडलाइंस बताएंगे उससे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। सोनाली सिंह जी, यस मैम, ओके। और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम इसको लेके आए हुए हैं, आपको एंजॉय करके इसको तैयार करना है, बिल्कुल रटना नहीं है, पूरी तरीके से एंजॉय करना है आपको इस सेशन। इस तरीके से इसलिए हमने इस सेशन को ऐसा बनाया हुआ है। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करें, जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। अगर आप इस सेशन को थोड़ी देर भी अगर एंजॉय करेंगे तो आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा और कंप्लीटली आप पूरा करंट अफेयर्स पूरी तरीके से याद कर लेंगे एग्जाम के पर्पस से। डेली मॉर्निंग 8 AM पे हम यहाँ पे मिलते हैं और हमेशा मिलेंगे।
कोई नहीं है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं सभी के लिए, थोड़ा टाइम दे सकते हैं सबके लिए कि ताकि तब सभी लोग इस चीज़ को ज्वाइन कर सकें, सभी को इस चीज़ का प्रॉफिट मिलना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी कमेंट करके बताइए कि सभी आ चुके हैं। चलिए ऐसा लग रहा है सभी लोग आ चुके हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम का कॉन्टेस्ट कॉटेज चैनल। चलिए आइए देखते हैं। आज के सुविचार के साथ हम आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का सुविचार क्या है? मौसम, कुछ घर गुजरने के लिए मौसम नहीं चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का सुविचार बहुत ही अच्छा है मौसम। मैं फिर से बताती हूँ, मौसम घर गुजरने के लिए, मौसम नहीं चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं पर डे एक अच्छा सुविचार आपको बताऊंगी जिससे कि आपका दिन भी अच्छा जाए और सारी चीजें आपको याद भी रहे। तो देखिए आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टुडेज डे, आज का दिन। हमारे देश में आजाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 जुलाई 1947 में वर्तमान तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया, जिसमें तीन रंग थे, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग बना था अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां थी जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वही स्वरूप आज मौजूद है। हम लोगों की जो तिरंगे का है आज, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि जो नेहरू जी थे उन्होंने 2 जुलाई 1947 में वर्तमान तिरंगे झंडे का राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया था। आइए देखते हैं, गणित के प्रेमियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज पाई अनुमोदन दिवस, पाई को 22/7 द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि पाई का जो मान होगा 22/7 होता है, इसलिए 22 जुलाई को पाई एप्रोक्सिमेट डे के रूप में मनाया जाता है। अगर सेशन लग रहा है तो लाइक करिए जरूर, कमेंट करिए, लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है। आज सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिए और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे खुल गया है, आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर देना है।
जल्दी जल्दी से ज्वाइन करिए और कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जल्दी जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी जाके इसको कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी से, परेशान मत होइए, चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसको क्विज की तरह लीजिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सारी चीजें याद कर लेंगे, बिल्कुल भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। काफी लोगों का जवाब आ रहा है, हिमानी सिंह जी का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, आंचल साहू ऑप्शन ए, सोनाली सिंह का रशिया, ऑप्शन आंचल यादव जी का है रशिया। जल्दी 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 से इसका कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। जल्दी जल्दी से, भारत की राइफल फाइटर जेट्स की डील वर्ष 2016 में किस देश के मध्य हुई थी, जो लगभग 59,036 राइफल जेट करोड़ की लागत से खरीद का समझौता था। आपको इसका बताना है आंसर, सभी लोग जल्दी जल्दी से इसका जवाब दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कल से जल्दी से गुड मॉर्निंग कीजिए सभी लोग, ताकि टाइम से हम लोग अपने सेशन स्टार्ट कर सके, जल्दी उठना चाहिए सबको। निकिता मिश्रा गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, थोड़ा जल्दी से आइए सभी लोग और इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। काफी लोगों का आंसर आ चुका है, काफी लोगों ने आंसर दिया हुआ है, काफी लोगों ने ऑप्शन बी का बी ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं आखिर क्या है इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स में आंसर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से सारी चीजें आपके सामने हैं, जो इसका वेट है 24,500 केजी इसका वेट है, और जो इसकी लेंथ है 15.3, और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फ्रांस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्रांस। जुलाई के अंत तक भारतीय वायुसेना के दस्ते में 5 राइफल फाइटर जेट्स शामिल होंगे। 5 राइफल फाइटर जेट्स पहले जत्थे को 29 जुलाई समवेत व अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन में शामिल किया जाएगा। जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रांस। काफी लोगों ने ऑप्शन बी को बी दिया है, जो कि राइट नहीं है, जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रांस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है।
अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर करिए, ताकि हम लोग डेली बहुत ही अच्छा सेशन इसके लिए आपके लिए लेके आए, बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, काफी लेट हो रहा है आप लोग, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जाके दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर करिए। गुड मॉर्निंग आकांक्षा सिंह, गुड मॉर्निंग आदित्य वर्मा, गुड मॉर्निंग सोनाली सिंह दिल्ली, ओके। और सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? दिल्ली, दिल्ली, वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली, काफी लोगों का आंसर आ चुका है, दिल्ली, वेरी गुड। देखते हैं क्या होता है, किसका सही है, दिल्ली। और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, दिल्ली, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा ये सेशन, दिल्ली। काफी लोग फुल तैयारी से बैठे हुए लग रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा लगता है जब हम आपसे कुछ पूछते हैं और आप उसका जवाब हमको पहले देते हैं हमारे बताने के भी। यस, काफी लोगों का आंसर आ चुका है, काफी लोगों ने आंसर दिया है, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा का, चलिए आंसर इज बी, दिल्ली, काफी लोगों का राइट आंसर है। दिल्ली, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, काफी लोगों ने आंसर दिया है, दिल्ली। इस अभियान के सह आयोजक दिल्ली पुलिस है, और इस दौरान दिल्ली पुलिस के COVID-19 से स्वस्थ हुए 26 पुलिस कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से प्लाज्मा भी दान किया है। प्लाज्मा दान की प्रक्रिया 1 से 3 घंटे में पूरी हो जाती है, और उसी दिन प्लाज्मा को एकत्रित किया जा सकता है। कि काफी लोगों ने आंसर दिया है दिल्ली, सभी का आंसर बिल्कुल राइट था, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग पूरी तैयारी से हैं, करंट अफेयर को बिल्कुल हम लोग बिल्कुल क्विज की तरह इसको लेके बिल्कुल अगर पढ़ेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। अच्छा, सबको 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 अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए कि अच्छा लग रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है ये सेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब दें। यस मैम, ओके ओके, जल्दी से इसका भी जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इसका भी आंसर दें।
ओके, काफी लोग का आंसर आ रहा है डी, आनंद कुमार गौतम डी, हिमानी सिंह डी, शिवम उत्तम डी, आकांक्षा सिंह मैथमेटिक्स, आनंद कुमार गौतम ऑप्शन डी, डी डी काफी लोगों का आंसर आ रहा है डी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर करिएगा। डी डी अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी करें कि ज्वाइन करें वो चैनल। काफी लोगों का आंसर आ चुका है डी। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सीएस से सिद्ध जो 88 वर्ष में जिनका निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जैसा कि सभी ने आप आंसर दिया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही, डी इज राइट आंसर। आंसर डी इज राइट आंसर। सी एस सेसाद्री का जन्म 29 फरवरी 1932 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR से अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्हें वर्ष 1988 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वर्ष 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया बीजीए ज्योमेट्री में उनका उनके कार्य के लिए। जैसा कि आप उनको देख सकते हैं उनकी फोटो लगी हुई है आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है। ऐसे सारे लोगों से है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। सभी लोग अगर सभी लोग बताएं कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। चेन्नई चेन्नई, हिमानी सिंह चेन्नई, निकिता मिश्रा चेन्नई, वेरी गुड। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। चेन्नई चेन्नई, जैसा कि काफी लोगों का आंसर आ चुका है। राजू यादव गुड मॉर्निंग मैम फ्रॉम सुल्तानपुर, हाँ सुल्तानपुर से है। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग क्या होगा। हम पूछ रहे हैं तमिलनाडु की राजधानी, काफी लोगों ने आंसर दिया है, काफी लोगों ने आंसर दिया है चेन्नई, काफी लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पे चेन्नई। चेन्नई इज राइट आंसर, सभी लोगों ने जो आंसर दिया है बिल्कुल राइट है। जो अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पद्म भूषण है वो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जो पद्म भूषण है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है भारत, पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण। पहला पद्म भूषण भारत का तीसरा थर्ड सब तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला है भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।
क्या होगा इसका आंसर? और लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ए, बहुत ही तेज आंसर दिया हिमानी सिंह का, आंसर आ गया ऑप्शन ए, सोनाली सिंह ऑप्शन ए। और भी जल्दी जल्दी, ए ए काफी लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए को। उत्तराखंड, उत्तराखंड जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। काफी लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन ए उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य में चार धाम सड़क परियोजना की समीक्षा बैठक में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान, जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किया गया और भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया गया, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा मैप के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, सभी लोग जिसको पता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम, कैपिटल तो सबको पता होगा देहरादून, बट उसके मुख्यमंत्री का नाम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। हिमानी सिंह का आंसर आ गया त्रिवेंद्र सिंह रावत। मैं मुख्यमंत्री पूछ रही हूं, कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? राइट है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आ गया आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, थोड़ा जल्दी करिए। हिमानी सिंह चाइना, आंचल साहू डी। जल्दी जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए,
चलिए आइए देखते क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जापान, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी जापान। होप, मंगल ग्रह पर अरब जगत का पहला मिशन है संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने। लाल ग्रह, मंगल ग्रह के वातावरण में पहला एकीकृत मॉडल बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में होप नामक एमिरेट्स मास मिशन की घोषणा की। इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा संचालित किया जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लाइक करना मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। हाल ही में किस राज्य ने भारत के प्रथम सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन बी। काफी लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, दिल्ली। चलिए आइए देखते क्या होगा इसका आंसर। आंसर बी इज राइट, नई दिल्ली। सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा एनडीएमसी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। यह भारत में इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी को बढ़ावा देगा। यहां पर उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। भारत में अन्य स्थानों पर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा निर्मित किए जाने से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। जैसे कि कई लोगों ने आंसर दिया है दिल्ली दिल्ली दिल्ली, बहुत अच्छा लगा कि सभी को आंसर इसका पता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गुजरात की राजधानी क्या है और उसके मुख्यमंत्री कौन है। गुजरात की राजधानी और उसके मुख्यमंत्री, गुजरात की राजधानी और उसके मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि क्या होगा। अहमदाबाद, आनंद कुमार गौतम अहमदाबाद, हिमानी सिंह गांधीनगर, हिमानी सिंह विजय रूपानी आंचल साहू गांधीनगर। जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा, गुजरात की राजधानी और उनके मुख्यमंत्री बताने हैं आपको क्या है, कौन है। क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन, काफी लोगों ने आंसर दिया है राइट है, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर ही है और इनके जो मुख्यमंत्री है वो है विजय रूपाणी। चलिए आइए देखते हैं, काफी लोगों ने जवाब दिया अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर, कौन जल्दी दे रहा है, कौन फर्स्ट आंसर दे रहा है इस क्वेश्चन का,
जल्दी से बताइए क्या होगा। आकांक्षा सिंह ने बोला है बिहार, आंचल साहू ऑप्शन डी बिहार, हिमानी सिंह बिहार, बिहार, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर ऑप्शन डी ही आ रहा है, बिहार। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिहार इज राइट आंसर है। लालजी टंडन, लालजी टंडन 1 जून से बीमार थे, वे लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। जन्म 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ था। उनकी लिखी किताब अनकहा लखनऊ में राजनीतिक पार्टी भाजपा और संघ के सदस्य थे। उन्होंने बीजेपी आंदोलन में हिस्सा लिया, 2 बार पार्षद चुनाव में, 2 बार विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे हैं वो। साल 1996 से 2099 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य के में, साल 2009 में लोकसभा की सीट भी इन्होंने जीती थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम के पर्पस से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, बताएं जल्दी से हमें। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, गोवा के, जल्दी जल्दी से बताइए गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत आ रहा है, काफी लोगों का आंसर है। आकांक्षा सिंह प्रमोद सावंत, हिमानी सिंह प्रमोद सावंत, आदित्य वर्मा प्रमोद, काफी लोगों का आंसर आ रहा है। बिल्कुल राइट है, प्रमोद, प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जेट आइसोपॉड प्रजाति वदिनोमस रक्षासा की खोज की, कि ये किस प्रकार का जीव है। आपको बताना है कि जो इस प्रजाति का जीव है वह किस प्रकार का होता है, किससे रिलेटेड है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। वदिनोमस रक्षासा, जल्दी से बताइए किससे रिलेटिव है ये जीव, किसकी तरह लगता है, ये किस प्रकार का जीव है, आपको इसको बताना है, जल्दी से बताइए। अभी एक ही कमेंट आया है, आदित्य वर्मा डी, और भी लोग बताएंगे क्या होगा। हिमानी सिंह ऑप्शन बी, आंचल यादव डी, जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ओके आई डोंट नो लिख रही है, चलिए मैं बताती हूं क्या है उसका आंसर।
जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कॉकरोच। ये एक प्रकार का कॉकरोच है, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर पे, वो एक प्रकार का कॉकरोच की तरह दिखने वाला जीव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा दक्षिण तट दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में दो वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाधिनोमस रक्षाशा नाम दिया, सुपर जायंट बाधिनोमस, और इसे जब समुद्र में काकरोच भी कहा जाता है, इस जीव को समुद्र का काकरोच भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिगर में दिख रहा है कि वो काकरोच की जैसे का सेव है, बिल्कुल काकरोच ही लग रहा है वो, पर इसको समुद्री काकरोच कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपकी स्क्रीन में। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी। सभी कंफ्यूज हो गए हो कि कोई नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा इस सारी चीज को। नहीं हो सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, आंसर बताइए जल्दी से। 9th क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। रत्नेश कुमार गुड मॉर्निंग मैम, थोड़ा लेट हो गया। ऑप्शन सी, सभी लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, कंचन सिंह यूपी। ऑप्शन सी, चलिए देखते हैं। आप तो पिक्चर से पता ही चल रहा होगा कि कौन है, और आंसर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। 21 जुलाई 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की। इस योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को घर घर राशन पहुंचाने में मदद की गई। यह योजना 6 से 7 महीने चलाई जाएगी। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार गेहूं चावल आटा और चीनी को हाइजीनिक रूप से भरे बैग में डिलीवर पैकेट के रूप में दरवाजे तक पहुंचाएगी। ये सारी जो क्या कहते हैं दिल्ली सरकार ने ये सारी चीजें की हुई है। दिल्ली में इस समय ये सारी चीजें चल रही है, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हम लोगों के इंडिया में भी 11 लाख से ऊपर ही हो गया है केस कोविड-19 के। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दीजिए। टेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया, जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। जल्दी जल्दी से कुछ भी तो गेस करिए, आप लोग कुछ भी गेस करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगी। कुछ भी गेस करिए, बताइए क्या हो सकता है आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लिख रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं, डोंट नो आई डोंट नो। आदित्य वर्मा 25, ओके। ऑप्शन ए आदित्य वर्मा, ऑप्शन 25 रत्नेश कुमार, ऑप्शन ए आदित्य वर्मा, ए आदित्य वर्मा ए। काफी लोगों ने आंसर दे रहे हैं, डोंट नो मैम, ओके कोई नहीं, नहीं पता तो मैं बताऊंगी, बट आप लोग एक बार गेस तो करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए।
नहीं अभी तो मैं इस चीज को बताऊंगी ना, एग्जाम नहीं, नहीं अभी आप लोग इस चीज को याद कर सकते हैं, मैं टाइम है आपके पास, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप ये चीज का इसका आंसर पता है। आज चल याद हो 15 लाख। ओके ऑप्शन ए चंदन धुरिया, आंचन साहू, ऑप्शन डी। लाइक करना मत भूलिए, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवरी मॉर्निंग में 8 PM पे आपको ये 8 AM पे आपको यही मिलूंगी एवरी मॉर्निंग। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। आंसर है ऑप्शन ए 25 लाख। काफी लोगों ने आंसर नहीं दिया है, काफियों को नहीं पता था जो इसका राइट आंसर है वो है 25 लाख। नहीं मैम आंसर आपका 20 लाख नहीं, 25 लाख। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासनिक परिषद ने उच्च राज्यपाल G.C. मुर्मू के अध्यक्षता की बैठक की। परिषद ने सरपंचों, नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य, खंड विकास परिषद सदस्य के लिए जीवन बीमा की मंजूरी दी। भारत में एक राज्यपाल एक राज्य का प्रभारी होता है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी होता है। हालांकि केवल लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर, जबकि आंध्र केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त होता है, जो आमतौर पर IAS अधिकारी होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आदित्य वर्मा, हाँ जी आप राइट है, एक ही उन्हीं का राइट आंसर आया आदित्य वर्मा जी का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आ गया टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप हमें आंसर हमारे कॉन्टेस्ट कॉटेज के टेलीग्राम चैनल पर भी दे सकते हैं। इसका आंसर मैं कल बताऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉन्टेस्ट कॉटेज को ज्वाइन करिए और कॉन्टेस्ट कॉटेज के को ज्वाइन करके इसका आंसर दीजिए। अगर आप हमारा PDF चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेस्ट कॉटेज चैनल पे हमारे हमारे सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। अगर आपको और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है। एवरी मॉर्निंग हम यहां पर 8 AM आपको मिलेंगे। सभी लोग कॉन्टेस्ट कॉटेज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और कॉन्टेस्ट कॉटेज को ज्वाइन करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। कॉन्टेस्ट कॉटेज से जुड़िए, कॉन्टेस्ट कॉटेज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इस सेशन के माध्यम से हमने जो top 10 हेडलाइंस आपको बताई बहुत ही इजी तरीके से क्विज के माध्यम से कि सारी चीजें आपको याद हो जाए। इससे आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली अर्ली मॉर्निंग जल्दी गुड मॉर्निंग करिए सभी लोग। कुछ लोग बीच में सेशन में आए बोले गुड मॉर्निंग, जल्दी 8 AM पे हमारा जो वीडियो है वो आएगा। करंट अफेयर आपको अब करंट अफेयर पढ़ना नहीं है, उसको मजा भी लेना है, इंजॉय करके उसको आप याद रखिए। थैंक यू, सबको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
चलिए कल मिलते हैं।